dear students i welcome you in the course of leadership emotional intelligence Industry and decision making this is module number 239 and our topic of discussion is synthesizing when we talk about mind functions we have analyzing valuing and synthesizing in analyzing we said that analysis is basically breaking down into parts whereas synthesis is something opposite to it जिसमें कि हम चीजों को जोड़कर पार्ट्स को जोड़कर एक टोटल एक होल क्रिएट करने की कोशिश वो करते हैं सो वेन वी टॉक अबाउट सिंथेसिस, देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड टू कम अप इन आवर एलेबोरेशन एंड इन इन आवर डिटेल्स लाइक एनालिसिस, सिंथेसाइजिंग इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स पुटिंग और प्लेसिंग थिंग्स टूगेदर टू मेक अ होल जिसमें हम चीजों को जोड़कर एक शक्ल देने की कोशिश करते हैं और फिर उस शक्ल को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि वट वॉज द टोटल टोटलियो वट वॉज द होल पिक्चर सो ऑल प्रोडक्ट्स एंड आर द रिजल्ट ऑफ सेंथसिज एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज जब हम असेंबली लाइन पर ऑपरेट कर रहे हैं जब हम चीजों को जोड़कर कोई शक्ल बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुकम्मल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो दरअसल वी आर ट्राइंग टू सेंथसाइज जिसके बरक्स जिसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं दैट कैन बी ऑफ एनालिसिस सिंथेसिस के जरिए अ होल हम होलिस्टिक व्यूज को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर क्रिएट वो करते हैं रिमेंबर दैट इमेजिनेशन वर्क इन पिक्चर्स एंड अ पिक्चर इज ए होल दैट इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स दरअसल हो क्या रहा होगा कि हम अपनी किसी भी सोच को किसी भी ख्याल को कंप्रीहेंड करने के लिए उस ख्याल के अंदर मौजूद जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सबको आपस में एसोसिएट करके सिंथेसाइज करके अपने उस ख्याल को कंप्रीहेंड करने की कोशिश वो करते हैं जहां से हमारी इमेजिनेशन वो डेवलप कर पाती है एंड नो डाउट इमेजिनेशन इज ए कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इज ए कलेक्शन ऑफ होल्स और बहुत सी चीजें मिलकर एक इमेजिनेशन बनाएंगी और बहुत सी इमेजिनेशंस भी मिलकर एक फर्दर इमेजिनेशन को जन्म वो दे सकती हैं कुदरती तौर पर हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है

समझने में हमें मदद देते हैं विच इज अनदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइंड कि माइंड सिर्फ ब्रेकिंग डाउन एक्टिविटी नहीं करता बल्कि वो मेकिंग अप एक्टिविटी भी कर सकता है फंक्शन ऑफ माइंड में जहां पर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है उतना ही सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है और अक्सर औकात अनकॉन्शियसली हम ये दोनों प्रोसेस वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बातों को इंक्लूड करें तो हमें अपनी इस कैपेबिलिटी के ऊपर फखर होना चाहिए कि वी आर एबल टू सिंथेसाइज, वी आर एबल टू मेक अप द थिंग्स वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट वी आर वी आर एबल टू मेक द होल पिक्चर आउट ऑफ द पार्ट्स आउट ऑफ द कंपोनेंट्स। थैंक यू